जलगांव के 40 गांव में 40 गांव के नव निर्वाचित विधायक मंगेश चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपशब्द कहा। फक्त मुख्यमंत्री व्हायचं हे डोळ्यासमोर यांनी ठेवून हे करायचं। दादा तुम्ही म्हटलं की यांना सरकार चालवता येत नाही, त्यांना सरकार चालवण्यात कुठलाही सारस्व नाहीये, त्यांना गाडी चालवण्यात जास्त इंटरेस्ट आहे। राज्याचा मुख्यमंत्र्याला एवढा राज्याचा व्याप असताना एखादा मुख्यमंत्री मुंबईहून पुण्यापर्यंत गाडी 2-2 तास चालवत देतो, एवढा रिकामचोट मुख्यमंत्री आतापर्यंत इतिहासात आपण कधी पाहिला नाही, एवढा रिकामचोट मुख्यमंत्री आतापर्यंत इतिहासात आपण कधी पाहिला नाही। और इसी का निषेध करते हुए जलगांव में तृतीय पंथियों की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए 40 गांव के विधायक मंगेश चौहान को चूड़ियां और साड़ी भेजी गई। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान 40 गांव के विधायक मंगेश चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को रिकामा अर्थात खलिहर बता दिया था। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया था कि मुख्यमंत्री के पास समय बहुत है और वह जनता के कामों की ओर ध्यान न देकर चर्चाओं में रहने का काम कर रहे हैं। एवढा रिकामचोट मुख्यमंत्री आतापर्यंत इतिहासात आपण कधी पाहिला नाही। इस बात का निषेध करते हुए जलगांव में ठाकरे समर्थक तृतीय पंथियों की ओर से मंगेश चौहान को जिलाधिकारी के द्वारा साड़ी और चूड़ियां भेंट की गई। इतना ही नहीं, इस साड़ी के पैकेट पर जो फोटो बनाया गया था उस फोटो में भी विधायक मंगेश चौहान की फोटो लगाई गई थी। अपने 40 गांव के मंगेश चौहान त्यांची टीका करून आप ये शब्द बोलताय हे माझ्या मनाला किंवा माझ्या मनाला आणि माझ्या पूर्ण किनार समाजाला फार फार मनाला वाईट वाटले, त्याबद्दल मी त्यांना माझ्यातर्फे साडी चोडी देऊन त्याचा निषेध करते। यह साड़ियां और चूड़ियां 40 गांव के विधायक मंगेश चौहान के लिए दी गई है, लेकिन क्या इस तरह से किसी विधायक को चूड़ी और साड़ियां भेजना जायज है? जलगांव से जकी अहमद के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।